ना उनकी सरकार आने वाली है, ना वो कोई युवाओं का भला करने वाले। कर ले 5 महीने और, 5 महीने बाद हम भी इसका हिसाब लेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ बीना दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के 18 सालों के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। कमलनाथ ने कहा कि पिछले 18 सालों में बीजेपी के शासनकाल में प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश को अंदर से खोखला कर दिया है। खोखली अर्थव्यवस्था, खोखली शिक्षा व्यवस्था, खोखली स्वास्थ्य व्यवस्था, खोखली रोजगार व्यवस्था। कमलनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। हाल ही में ओलावृष्टि हुई थी, शिवराज जी ने मुआवजे की बात की थी, अब तक किसानों को एक पैसा नहीं मिला। पिछले 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को अंदर से खोखला बना दिया है। मध्य प्रदेश खोखला हो चुका है। खोखला अर्थव्यवस्था, खोखली शिक्षा व्यवस्था, खोखली स्वास्थ्य व्यवस्था। हमारा किसान जो न्याय के लिए खाद बीज और मुआवजे के लिए भटक रहा है। या ओलावृष्टि हुई थी, शिवराज सिंह जी आए थे, ओलावृष्टि के लिए कहा था कि मुआवजा मिलेगा, एक पैसा आज तक नहीं मिला। वहीं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि कोरोना के दौरान 88 करोड़ का अस्पताल बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि 88 करोड़ के अस्पताल में कितने लोगों का इलाज हुआ। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुणोदय चौबे की असक्रियता पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मीडिया को पूछना चाहिए कि आखिर अरुणोदय चौबे को घर क्यों बैठना पड़ रहा है, किस प्रकार से उन पर दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अरुणोदय चौबे की बात नहीं है, छोटे से बड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर इसी तरह से केस लाद कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो आप उनसे पूछिएगा किस कारण से वो घर बैठे, कितने केस चलाए हैं उन पर, किस प्रकार का दबाव, केवल अरुणोदय चौबे पर नहीं। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज ने बीना को जिला बनाने की घोषणा 3 बार की, लेकिन अमल 1 बार भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं झूठी घोषणाओं की राजनीति में विश्वास नहीं करता। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और यहाँ के लोग चाहेंगे तो बीना अवश्य जिला बनेगा। वो गवाह है कि किस प्रकार की राजनीति यहाँ चली है सागर जिले में। हमारा सुर्खी हुए, खुर्रई हुए, बीना हुए, नरियाली हुए, कैसी राजनीति इन्होंने करी है। कर ले 5 महीने और, 5 महीने बाद हम भी इसका हिसाब लेंगे। वहीं कमलनाथ के इस बयान पर और बूथ मैनेजमेंट की मजबूती के उनके दावों पर बीजेपी ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान पर कमलनाथ का झूठ सामने आ गया है। बीजेपी के मुताबिक दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमारा संगठन कमजोर है, लेकिन कमलनाथ कहते हैं कि हमारा बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। अब जब संगठन की ये स्थिति है, खुद जिम्मेदार इसे स्वीकार कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि सरकार बनाने के सपने का क्या हाल होगा। मेरी मौसी को मूंछ आएगी तो मैं उसको मामा बोलूंगा, यह है कमलनाथ जी का वक्तव्य। न उनकी सरकार आने वाली है, न वो कोई युवाओं का भला करने वाले हैं। जब सरकार आई थी तो उन्होंने छलावा किया, वचन पत्र दिया, किसान की बात करी, कर्जा माफ की बात करी, बेरोजगार को भत्ते की बात करी, रोजगार की बात करी, कहां हुई यथार्थ में, कहीं कुछ नहीं हुआ, हवा भाई बात। तो ये कांट की आंडी एक बार चढ़ती है, मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के झूठे वादों में नहीं आने वाली। कमलनाथ जी का मूल चरित्र मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है और अब इनको किनारे लगा चुकी है। बहरहाल चुनाव की उल्टी गिनती के बीच वादों की भी झड़ी लगेगी और एक दूसरे के दावों पर सवाल भी खड़े होंगे, मगर बीजेपी के 18 सालों के कार्यकाल पर सवाल खड़े करते हुए कमलनाथ ने एक बार फिर सियासत की आंच तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी, डिबेट लाइव में आपका स्वागत है। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे कमलनाथ के उन 18 सवालों की जिसको लेकर वो चुनाव में उतरने वाले हैं। सरकार बीजेपी की चल रही है, लेकिन सवालों के घेरे में सरकार है और ये सरकार इन सवालों का जवाब किस ढंग से देगी, इस आधार पर राजनीतिक जमावट की जा रही है और इसीलिए ये मुद्दा गर्म है कि इन सवालों के जरिए क्या कमलनाथ अपनी नैया पार लगा पाएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे, मिलते हैं उन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष तिवारी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिजलाल साहू जी, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे।
तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कांग्रेस की ओर ही रुख करते हैं। ब्रजलाल जी, आपने सुना कमलनाथ जी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आए थे, करीब 18 सवाल थे 18 साल की बीजेपी सरकार के खिलाफ, लेकिन उनके भी सरकार बीच में रही है, सवाल उनसे भी होंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब जो है वो कुछ इस तरीके से आप लोग चाहते हैं जैसे कि राजनीति में नहीं दिए जाते, इन सवालों को लेकर आप लोग क्या जनता के बीच जाएंगे क्या कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ये सवाल सीमित रहेंगे? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत आवश्यक चीज है कोई भी सरकार हो, और जैसे कि अभी अपन देख रहे हैं बात राज्य की हो रही, क्षमा चाहूंगा कि मैं केंद्र सरकार की तरफ जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए 10 साल के, उसके बाद उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यह सवाल तो आप पत्रकार भाइयों को ही स्वयं बीजेपी सरकार से और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए। रही बात बताएंगे कि आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में, मात्र 15 महीने की सरकार में, आप ये देखिए कि 27 से 28 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और ये बात मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ, अंधेरे में तीर नहीं चला रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने यह बात विधानसभा के पटल पर व्यक्त की है। आप चाहें या भाजपा प्रवक्ता चाहें तो वो जाकर के सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ राम वन गमन पथ, आप इंदौर का महाकाल कॉरिडोर, ये किसके 15 महीने के ही कार्यकाल का ही परिणाम है ना, 15 महीने के। ठीक है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल और कई ये मुद्दे तो सब सामने आ चुके हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं आप लोग इसको लेकर करेंगे क्या, जनता के बीच कोई एक्शन होगा, सड़कों पे उतरेंगे, कांग्रेस करेगी क्या? आपकी आवाज कट रही है भैया, आपकी मैं ये जानना चाह रहा था कि ये इन मुद्दों को लेकर कोई एक्शन भी होगा, पार्टी के स्तर पे कोई संगठन की तैयारी होगी, संगठन कुछ करेगा इसको लेकर? देखिए, संगठन तो अपने युद्ध स्तर पे तैयार है ही, और हमारा ऐसा कमलनाथ जी जगह जगह जाकर के जो जितने भी ब्लॉक हैं और हमारे बूथ स्तर के सभी जगह की मीटिंगें ले रहे हैं, हमारे सभी नेता बिल्कुल धरातल पर हैं अभी। चलिए, कांग्रेस ने सवाल पूछ दिए हैं, बीजेपी की ओर रुख करते हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, इन 18 सवालों के जवाब भी जनता भी मांग रही है, विपक्ष का एक धर्म होता है कि वो जनता के सवाल आपके बीच रखें, क्या कहेंगे इन सवालों की झड़ी को जिन्हें लेकर अब आपके सामने कमलनाथ हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जब हम राजनीति में होते हैं, जितने समय तक राजनीतिक दल शासन करता है उसका उसे हिसाब देना पड़ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 वर्षों तक काम किया उसका जो प्रमाण है वो यही है कि आज हम राजनीति में पूर्णता स्थापित हो गए हैं, और राजनीति में हमने जो काम किए हैं वह काम जनता के बीच में लगातार सराहे गए हैं। आप देखें, जब हम मध्य प्रदेश की सरकार में पहली बार आए थे उस समय मध्य प्रदेश में न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं, ये तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है, परंतु उस समय ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं थी। पर मैं कहना चाहता हूं कि यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सड़कों पे में हमने काम किया, हमने बिजली पर काम किया, हमने पानी पर काम किया, साथ ही साथ जब हम मध्य प्रदेश में आए थे उस समय खजाना भी खाली था, और उस खजाने के खाली होने के कारण भी बहुत से कामों में हमें अवरोध पैदा हुआ, पर हम आगे बढ़े और आज आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर मूलभूत सुविधाएं बढ़ी हैं। आज लोगों के पास जो कच्चे मकान थे वह पक्के मकान में परिवर्तित हो गए, साथ ही साथ लगातार मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने काम किया। तो ये कह रहे हैं कमलनाथ जी, इन सब बातों को जो दावे आप लोग कर रहे हैं कि ये किया वो किया, खोखले बता रहे हैं, एक शब्द दिया उन्होंने, खोखले हैं सारे वादे और दावे। कहना चाहता हूँ
दृष्टि से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की भूमिका केवल बोलने के लिए नहीं होती, कुछ करने के लिए होती है। इन्हें भी जनता के बीच में जाना चाहिए था, इन्हें कोरोना के समय जनता के बीच जाना चाहिए था, जो समय देश को आवश्यकता थी, क्योंकि जब कोई महामारी फैलती है या कोई बड़ा ऐसा मुद्दा होता है जो कि देश के लिए बड़े गंभीर हो, तो उस समय सत्ता हो या विपक्ष, उन दोनों को समाज के बीच में काम करना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग जनता के बीच में जाकर काम नहीं करते, बल्कि फेसबुक और ट्विटर पर ही कमेंट्स करके लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे मुद्दों को उछालने का प्रयास करते हैं कि वो चर्चा में बने रहें। परंतु जनता जानती है हमें बूथ पर काम करना होगा, हमें जनता के बीच में। डॉक्टर भूपेन जी की तरफ चलते हैं और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद भूपेन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भूपेन जी, एक होता है विपक्ष सड़कों पर उतरकर पसीना बहाता है, मुद्दों की भीड़ लगा देता है, हर तरफ से दबाव बनाता है। कमलनाथ जी का थोड़ा स्टाइल अलग है, वो धीरे धीरे दबाव बनाते हैं, मुद्दे उछालते हैं। तो ये अभी मुद्दे उछालने का क्रम चल रहा है, 18 सवाल उन्होंने दाग दिए, कुछ असर होगा इसका राजनीति पर, क्या देखते हैं आप? डॉक्टर भूपेन जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हेलो जी, हम देखते हैं कि विपक्ष मेहनत करता है, पसीने बहाता है सड़कों पर, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी थोड़ी स्थिति बदली हुई है, उतनी ज्यादा सड़कों की लड़ाई कम दिखाई दे रही है, ट्विटर फेसबुक सोशल मीडिया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति ज्यादा दिखाई दे रही है, इसका कितना इफेक्ट हो पाएगा, कोई असर देख पाते हैं क्या आप? जी देखिये, वर्तमान परिवेश में जो राजनीति दिशा की ओर चल रही है, जो आपने कहा है, देखिए क्या होता है कि जो राजनीति के जो धुर है, मतलब कि कमलनाथ हो गए, इनके दिग्विजय सिंह हो गए, यहाँ शिवराज जी हो गए, बी डी शर्मा जी हो गए, और भी जो इनके राज्य स्तरीय जो नेता है, वो जहाँ पे सभा में जो कंटेंट कहेंगे उसी पे ही मीडिया कंटेंट को उठाएगा और उस तरह से उनकी बात करेगा। अब वो रेस किस तरह से होती है ये अलग विषय है, लेकिन सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और ये तो ग्रामीण से लेकर शहरी स्तर तक पड़ेगा। लेकिन जो वर्तमान की राजनीति जो अभी चल रही है जिस हिसाब से, लेकिन सरकार की जवाबदेही बनती है और विपक्ष को जवाब मांगना चाहिए, और जहां तक विपक्ष जो दिखता है तो वो अब जब चुनाव आते हैं उस समय सवालों के घेरे में लाती है, विधानसभा के जो पटल होते हैं उस समय विधानसभा में निश्चित रूप से कार्रवाई में भाग न लेना, उनका वॉकआउट होना या सत्ता सहयोग ना होना, जिस तरह से जो भी चीजें हैं, अपनी छवि उस तरह की दिखाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार का जनता का पैसा होता है और जनता के प्रश्न को आप लोग प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उस तरह से सरकार को घेरना चाहिए और उन इशू को लेके विधानसभा से लेके आना चाहिए। ये एक जो कुटलता जो दिखनी चाहिए वो मुझे इस बार के विधानसभा सत्रों में नहीं दिखी। दूसरी बात, अब जो चुनाव की जो पारियां शुरू हो गई हैं तो आप निश्चित रूप से ये दिखेगा कि सब बड़े नेता अपने अपने हर विधानसभा में क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, चाहे बिंद में हो, चाहे वो बुंदेलखंड में हो, चाहे वो महाकौशल में हो, चाहे माल में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में वो दौरा करने में लगे हुए दोनों पार्टी के लोग। अब उनसे प्रतिनिधियों की जो जिनको टिकट देंगे, जिनको तैयार करेंगे, उन तैयार करने से उनके प्रति जो उनका रुझान देखेगा वो वोट में किस तरह से कन्वर्ट होता है, ये देखने में रुचि है। अभी तो ये छोटी छोटी फुलझड़ियों की शुरुआत है तिवारी जी, अभी तो बहुत बड़ा रण अभी छिड़ेगा, क्योंकि अभी जब कर्नाटक के परिणाम आएंगे उसके बाद तो और ज्यादा छिड़ेगा, क्योंकि अभी पोलराइजेशन होगा, जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो दूसरी पार्टियों में जाएंगे, उससे फिर और नए समीकरण बनेंगे। ये तो अभी बहुत ही कैलकुलेशन बहुत बाकी है अभी तो, लेकिन अभी तो शुरुआत है इसकी, और ये मानिए कि कर्नाटक के जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे उस चुनाव परिणाम से कुछ और नए समीकरण बनेंगे और नेताओं नए समीकरण बनने का इंतजार है। अब साहू जी की ओर रुख कर लेते हैं। साहू जी, क्या देख रहे हैं आप इन मुद्दों की लड़ाई में? ये 18 सवाल लेके ही आप लोग चुनाव जीतने का मंसूबा बना रहे हैं, और मुद्दों की लिस्ट बढ़ेगी आगे, आगे क्या करने वाले हैं? केवल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, इसके बाद का क्या इतिश्री है? देखिए, हमारे पास तो सीधी से बात है, भारतीय जनता पार्टी के 18 साल बनाम हमारे मात्र 15 महीने। इन 15 महीनों के कार्यकाल में जो हमारे कमलनाथ जी की सरकार ने जो उपलब्धि पाई, ठीक है,
और जो आम जन को मध्य प्रदेश की आम जन आम किसान को जो सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की नहीं, पूरी तरीके से उनको निश्चिंत किया, लेकिन बीच में हमारी पार्टी के ही कुछ ऐसे दोगले प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो उस समय भी थे जब देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, ऐसे गद्दारों की वजह से हमारे देश को आजादी होने में जो देरी हुई, ऐसे लोगों के कारण हमारे मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार को ये दुख झेलना पड़ा। और इसका नाथ जी को खामियाजा क्या, उनकी बात नहीं है। चलिए समय, ठीक है, समय कम है। तिवारी जी, ये सरकार गिराए जाने की कसक अभी भी है उनके मन में, और ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि सरकार आप लोग ने बीच में गिरा दी थी। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई, बल्कि कांग्रेस के उन विधायकों ने सरकार गिराई जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण उन्होंने सरकार को छोड़ा, क्योंकि सरकार उस समय केवल ट्रांसफर उद्योग में व्यस्त हो गई थी, और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हर कार्यकर्ता जो इतने समय तक सत्ता से बाहर रहने के कारण एक बौखलाया हुआ कार्यकर्ता था, जो प्रशासनिक अधिकारियों पे भी दबाव बना रहा था और ट्रांसफर उद्योग मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा था। तो आज जो परिस्थितियां निर्मित हुई उस समय जो परिस्थितियां निर्मित हुई मध्य प्रदेश के अंदर, उसके कारण आक्रोश के रूप में उन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर उन्हें विश्वास था, क्योंकि पिछले दिनों जो लगातार मध्य प्रदेश सरकार की नीतियां चल रही थी और उन पर जो काम चल रहा था कि हम पैदा होने से लेके और मरणोपरांत तक लगातार देने का काम कर रहे थे, तो हमारी जो नीतियां थी वो आम आदमी के लिए थी, हमारी सरकार के जो काम करने के तौर तरीके थे वो आम आदमी के लिए थे, यही कारण था कि जनता के बीच में हम स्थापित हो चुके थे और वह लोग हमारे साथ आए, और आज मध्य प्रदेश की सरकार में भी वह लोग हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो अच्छे लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो भी चिंतित हो वो उनके साथ रहे। हम भी यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल 18 सवालों की लिस्ट लेकर कमलनाथ मैदान में है और इन मुद्दों की गूंज आने वाले कई समय तक हमें सुनाई देगी। चुनाव में रह रहकर ये मुद्दे उठेंगे। हमारे साथ आशीष तिवारी जी जुड़े, उनका धन्यवाद, डॉक्टर भूपेन जी का धन्यवाद और साहू जी का भी बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मुद्दों की लड़ाई लगातार बनी रहेगी, ताकि हमको नई नई खबरें मिलती रहेगी जिस पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, और वहां रहती है छोटी